सो हे गाइज, वेलकम बैक टू कल्चर वाईटी। तो आज मेरे पास एक न्यूज है रिलेटेड टू एलविश यादव। तो क्या एलविश यादव सच में एलिमिनेट हो गए हैं? तो बेसिकली बिग बॉस के अंदर एक टास्क हुआ था जिसके अंदर तीन ग्रुप बने थे, एलविश, मनीषा, जिया फुकरा एंड बेबी का पूजा। तो टास्क कुछ ऐसा था कि पहला पार्टनर एक्टिविटी रूम में जाकर टास्क को स्टार्ट करेगा एंड दूसरा पार्टनर टाइम को एनालाइज करके टास्क को खत्म करेगा एंड जो कोई भी इस टास्क को 27 मिनट या 27 मिनट के आसपास खत्म करेगा वो इस टास्क का विनर होगा। वहीं एलविश यादव का टाइमिंग ज्यादा आने के कारण वो इस टास्क से सेटिस्फाइड नहीं थे एंड उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं बाहर जाके अनकट वीडियोस को चेक करूंगा। तो पहली बात तो यहाँ पर ये निकल के आती है कि जब शो लाइव है तो लाइव टास्क क्यों नहीं चलाया गया। इन्होंने कहीं ना कहीं पूजा एंड बेबिका को यहाँ पर सेव कर लिया है क्योंकि इन्हें पता था कि अगर पूजा एंड बेबिका एलिमिनेशन में गए तो ये सीधे घर से बाहर जाएंगे एंड एलविश, मनीषा एंड जिया को एलिमिनेशन में डाल दिया है क्योंकि इनकी गलती ये थी कि इन्होंने पूजा जी की नहीं चाटी। तो एलविश यादव के एलिमिनेशन के बारे में कटारिया ने कुछ कहा है, तो आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। सीधा स्ट्रेट बात करते हैं। आज आपने देखा होगा कि अपना भाई नॉमिनेशन की प्रक्रिया में नॉमिनेट हो गया है। तो जियो सिनेमा ऐप आप सबके पास हो गया, आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं, नहीं है तो डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। उसके बाद कोई भी आप लाइव चलाओगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये लाइव चल रही थी तो यहाँ पे एक हाइप वोटिंग और एपिसोड्स आता है, तो वोटिंग पे जाके एलविश यादव पे क्लिक करके वोट नाउ क्लिक करना। ऑल्सो गाइज, सबसे मेन बात, हम पे टाइम बस वेडनेसडे तक का है तो अभी कर दो। सो अगर आप भी एलविश यादव से प्यार करते हो और भाईचारे में बिलीव करते हो तो फटाफट से जाके वोट जरूर से करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते न्यू अपडेट के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू कल्चर वाईटी।